मित्रों, आप लोग स्क्रीन पे जो इन्वर्टर देख रहे हैं, इस इन्वर्टर के बारे में काफी ज्यादा लोग चर्चा करते हैं, कमेंट में पूछते हैं। आज हम आपको DAE YE इन्वर्टर का सच बताने वाले हैं कि ए इन्वर्टर, जो वाइट इन्वर्टर हमारे 6.2 है, 10.2 है, इसके मुकाबले ये जो इन्वर्टर है, क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखना, सच आपके सामने होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मित्रों, जो इन्वर्टर देख रहे हैं ना, ये इन्वर्टर अगर आप 6 किलोवाट का लेते हैं तो आपको 1 लाख से 1 लाख 20 से 30 हज़ार रुपये के लमसम पड़ेगा। और मित्रों, काफ़ी लोग का दावा है इन्वर्टर खराब नहीं होता है। मित्रों, ये इन्वर्टर आपने एक बार परचेस कर लिया, इसके एक भी पार्ट आपको नहीं मिलेंगे। आप चाइना से मंगा लो, इंडिया से किसी से खरीद लो, इसकी जो पार्ट हैं ये आपको मिलने वाले नहीं हैं। मित्रों, मैं बता दूं, जितने भी अभी इन्वर्टर मिल रहे हैं ट्रांसफार्मर लिस्ट, टोटल चाइनीज कंपनी बना रही हैं। कुछ कंपनियां अदर जगह से पार्ट ला के असेंबलिंग कर रही हैं, बट मित्रों ये बन रहा है बाहर कंट्री में, इंडिया में ये नहीं बन रहा है। अब मित्रों, ये इन्वर्टर के बारे में काफ़ी लोग बोलते हैं, टच स्क्रीन है, बढ़िया दिखता है, ले लो। मित्रों, मैं बता दूं, जितने में आप उस इन्वर्टर को लोगे, उतने में आप 6.2 का चार इन्वर्टर ले सकते हैं। और यकीन मानो, एक बार खराब होगा तो मदरबोर्ड हमारे पास अवेलेबल है, मिल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, बन भी जाएगा। अगर वो खराब हुआ मित्रों, तो वो जल्दी बनेगा नहीं, उसके पार्ट नहीं मिलेंगे। अगर मदरबोर्ड की बात करूं तो उसका मदरबोर्ड मिलना बहुत मुश्किल है। ये 12 किलोवाट का इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर का डिस्प्ले तक हमको नहीं मिल सकता है। सोचो, फिर मैं इसको झेल रहा हूं, अगर इसका मदरबोर्ड जल गया, अगर मदरबोर्ड लेने जाऊंगा तो जितने का इन्वर्टर आ रहा है उससे मात्र $70 से कम में उसका मदरबोर्ड आएगा। अब बताओ कि आप नया इन्वर्टर लोगे कि मदरबोर्ड लोगे, मुझे बताओ आप। तो मित्रों, एक चीज का ध्यान देके चलना कि ये जो इन्वर्टर आपको DAE YE का लोग बताते हैं बढ़िया है, देखो बढ़िया तो है, कॉस्टली है, बट ये आपके लिए नहीं है। रीजन ये है, एक बार खराब हो गया तो कैसे आप इसको बनाओगे, और इसके मदरबोर्ड कहीं नहीं मिलेंगे। कुछ लोग बोलेंगे मैं ला कर दूंगा, बनाऊंगा। भाई, जब खरीदोगे ना, तो सभी लोग बोलते हैं खराब होता है ना, सब हाथ खड़ा कर देते हैं, इतना पैसा लगेगा, उतना पैसा लगेगा, आपका हालत खराब हो जाएगा। तो ऐसे मदरबोर्ड, ऐसे इन्वर्टर आपको नहीं लेना है। आपको ऐसे सामान को लेना है जिसके पार्ट मिल सके, बन सके, सही हो सके। तो मित्रों, इसीलिए मैं 6.2 का वाइट इन्वर्टर, 4.2 का वाइट इन्वर्टर, 3.2 का वाइट इन्वर्टर, 10.2 का वाइट इन्वर्टर, टोटल इन्वर्टर मैं इसी क्वालिटी का रख रहा हूँ। अभी आप जो मदरबोर्ड देख रहे हैं ना मित्रों, देखो ये 10.2 किलोवाट का मदरबोर्ड है। अगर मित्रों ये खराब होगा तो हमारे पास ये अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा, आराम से आप अपने इन्वर्टर में लगा के इसका बेनिफिट ले पाएंगे, दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे सामान को नहीं लेना है जिसकी पार्ट और इसका सामान जल्दी ना मिल सके। और मैं तो इतना कॉस्टली इन्वर्टर मत लेना, ये आपकी मूर्खता होगी, क्योंकि ऐसे इन्वर्टर दोस्तों बढ़िया तो होते हैं बट ये आगे चल के आपको प्रॉब्लम में डालेंगे। ये बातों को याद रखना, सच्चाई शेयर कर रहा हूँ, मानो चाहे ना मानो, आपकी मर्जी है। तो ये कहानी है, तो आप ऐसे इन्वर्टर चक्कर में ना पड़ के आप डायरेक्टली हमारे वाइट इन्वर्टर 6.2 का लेना, 10.2 का लेना। नंबर मैंने स्क्रीन पर शेयर किया है, आप मुझे कॉल करके 3,000 रुपये जमा करके बुकिंग करवा सकते हैं। फर्स्ट क्लास काम करेगा, फुल सपोर्ट रहेगा मेरी तरफ से। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।